The silent feud in India's first family came out in the open once again when senior BJP leader Menaka Gandhi broke what is seen as an unwritten code. Menaka Gandhi launched an uncharacteristic vicious attack on Sonia Gandhi, Rahul and Priyanka Gandhi. Menaka Gandhi accused both Sonia and Rahul of failing to give direction to the Congress and claimed that no Gandhi will be able to save the Congress. Priyanka Gandhi too came under attack. Menaka Gandhi claimed that Priyanka's glamour will not be able to salvage the fortunes of the Congress party. Menaka Gandhi even described Rahul Gandhi as a bird who will fail to counter Narendra Modi, who was described as a lion by Menaka. BJP ne jahan Narendra Modi ko Prime Minister ka umidwar tay kiya hai, wahin Rahul Gandhi को लेकर भी कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है कि उनको क्या बनाया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर मेनका गांधी जी। मेनका जी, मोदी को आप बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वहीं राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है कि उनको पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना देना चाहिए। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा राहुल के आने से? जी, मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई भी आए कांग्रेस का फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश ऐसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में उब गया है, तो अब कोई भी आए ये पार्टी नहीं बचती, इस इलेक्शन के लिए तो नहीं बचती। नहीं, मेनका जी, कहा जा रहा है गांधी परिवार की डायनेस्टी की बात की जाती है कि राहुल का एक युवाओं में अलग मैसेज जाएगा उनको प्रोजेक्ट करने से। आप लगते हैं राहुल गांधी क्या इस कांग्रेस को बचा पाएंगे? जी, 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग अब एक बंदे को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी टोटैलिटी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए किया क्या। तो अब 10 साल से जो आदमी प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर आप उनको और भी प्रोजेक्ट करो, चाहे 500 करोड़ रुपये इस्तेमाल करो, चाहे 5000 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीच में खबरें आती है कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, इंदिरा गांधी जी की छवि उसमें दिखाई देती है, आपको लगता है कि प्रियंका से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, वजह से मैंने कहा ना कि इस वक्त कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में है कि लोग देखना भी नहीं चाहते उसे। अब कोई भी आ जाए, कोई भी नहीं आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये पूरे कांग्रेस से लोग उब गए हैं। तो कांग्रेस में गांधी परिवार की बात है जो मेनका जी, कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, मांग उठ रही है पार्टी के भीतर, कोई कह रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पहले ही मनमोहन सिंह को वो करके, कोई कह रहा है कि उनको उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया, कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, तमाम ऑप्शंस पे बात चल रही है मेनका जी। जी, ऐसे है कि क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नया नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे।